हम आपको दिखा रहे हैं त्रिपुरा से तस्वीरें, जहां आमरण अनशन के लिए तीपरा मोर्चा के संस्थापक प्रद्युत देव वर्मा अपने राजमहल से निकल चुके हैं। तस्वीरें देख सकते हैं, आज से प्रद्युत देव वर्मा आमरण अनशन पर बैठ रहे हैं। यह अनशन त्रिपुरा की जनजातीय आबादी को संवैधानिक अधिकार देने की मांग को लेकर है। ये तस्वीरें सामने आई है, जहां प्रद्युत देव वर्मा अपने आवास से निकल चुके हैं और अपने लोगों के अधिकार की मांग में आज से वे हटाईकटोन में अनशन पर बैठ रहे हैं। ये अनशन कुछ ही देर में पश्चिम त्रिपुरा के हटाईकटोन में शुरू होने वाला है। लोग अनशन स्थल पर साथ देने के लिए पहुंच रहे हैं। प्रद्युत देव वर्मा ने आमरण अनशन का ऐलान करते हुए यह स्पष्ट तौर पर कहा था कि उनकी पार्टी का आंदोलन राजनीतिक नहीं होगा, और साथ ही अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील भी की है कि वे किसी पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर नहीं, बल्कि तीपरासा यानी मूल निवासी होने के नाते इस आंदोलन को समर्थन दें। उधर तीपरा मोथा राज्य के मूल निवासियों के लिए ग्रेटर तीपरा लैंड या स्थायी संवैधानिक समाधान जैसे कई प्रस्तावों की मांग कर रही है। याद दिला दे कि साल 2022 में ही ग्रेटर त्रिपुरा लैंड की मांग पर चर्चा के लिए केंद्र सरकार ने वार्ताकार की भी नियुक्ति की थी, लेकिन अब तक कोई ठोस नतीजा ना निकलने से मायूस प्रद्युत देव वर्मा ने आमरण अनशन पर बैठने का फैसला लिया है। और त्रिपुरा में इस हलचल के बीच ही बीती शाम मुख्यमंत्री मानिक साहा दिल्ली पहुंचे। हालांकि दिल्ली में वे इस आमरण अनशन पर चर्चा करेंगे या नहीं, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है।